नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। आखिरकार मायावती के दिमाग में चल क्या रहा है? जी हाँ, आखिरकार कांग्रेस के भारत बंद को क्यों नहीं मिला है मायावती का समर्थन? ये डेली डायरी लगातार सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लिए बीजेपी के खिलाफ सियासी गठबंधन की कवायद में जुटी बीएसपी केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस की तरफ से बुलाए गए बंद से दूर दिखी है। बीएसपी का कोई नेता वेस्ट यूपी में कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। इससे पहले केरला लोकसभा उपचुनाव में भी भले ही विपक्षी कैंडिडेट तबस्सुम हसन जीत गई हो, लेकिन बीएसपी की तरफ से खुलकर उनके समर्थन में भी कोई ऐलान नहीं किया गया। बीएसपी के मेरठ के जिलाध्यक्ष सुभाष प्रधान का कहना है कि पार्टी हाईकमान से बंद में शामिल होने के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। सियासी ताकत बनने के लिए गैर बीजेपी सभी दल एक मंच पर आने की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये कोशिश पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाई है। गठबंधन की तस्वीर भी सामने नहीं आई। सीटों के बंटवारे का पेच अब भी फंसा हुआ है, लिहाजा बीएसपी की भूमिका को लेकर लगातार सस्पेंस भी बना हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बंद बुलाया था और बीएसपी समेत सभी दलों से समर्थन मांगा भी गया। मजे की बात तो ये रही कि बीएसपी लगातार बीजेपी की सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमला करती रही, लेकिन बंद के में साथ नजर नहीं आई। इसको लेकर सियासी हलकों में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जब चंद दिन बाद साथ रहकर चुनाव लड़ने की कवायद चल रही है, फिर जनता से जुड़े मुद्दे पर एक मंच पर बीएसपी आखिरकार क्यों नहीं आ रही? आपको बता दें कि महंगाई, पेट्रोलियम के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के आह्वान पर विपक्षी पार्टियों ने भी बंद बुलाया था। वेस्ट यूपी में भारत बंद का मिला जुला असर भी देखने को मिला था। बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसियों ने पूरी ताकत झोंकी थी और आपको बता दें कि पीएम मोदी का पुतला फूंकने के दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प भी हुई थी। लेकिन मायावती के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? आखिरकार मायावती खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं करी, खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही? आपकी क्या राय है मायावती को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डेली डायरी की रिपोर्ट।